लिख के ले लो, इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर के जिस गठबंधन ने 5 महीने पहले नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को डिगा दिया था, जिस इंडिया अलायंस ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को लगातार तीसरी बार अपने बूते सरकार बनाने से रोक दिया था, जिसके आसरे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी तक पहुंच पाए, मोदी विरोधी पार्टियों की जिस एकता ने नई लकीर खींच दी थी, वो 170 दिन बाद ही सवालों के चक्रव्यूह में खड़ा है। लोकसभा चुनाव के बाद पहली अग्नि परीक्षा में ही विश्वास में बिखराव के आरोप लग रहे हैं। जहां तक दरारों का सवाल है, इंडिया अलायंस का अर्थ ही दरार ही दरार है। वो अलायंस कहां है? वो दरार ही दरार है जिसमें रफू नहीं लग रहा है। ये सिर्फ सियासी नश्तर भर नहीं है, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड व यूपी तक जिस तरह सीटों को लेकर माथापच्ची चल रही है, इंडिया अलायंस में जिस तरह की नाराजगी है, उसे देखते हुए लोग जानना चाहते हैं, क्या वाकई इंडिया अलायंस में घमासान मचा हुआ है? क्या महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन टूटेगा, या फिर चुनाव से पहले ये सारे विवाद सुलझा लेंगे? इन सवालों के जवाब जानने से पहले जान लीजिए कि इंडिया अलायंस में कहां कहां सीटों के बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के बीच विवाद जारी है। झारखंड में लालू यादव की पार्टी हेमंत सोरेन और राहुल गांधी से नाराज है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में पेच फंसा हुआ है। सबसे पहले जानिए कि इंडिया अलायंस की धुरी में जो महाराष्ट्र था, जहां के शरद पवार और उद्धव ठाकरे मोदी विरोधी गठबंधन के सूत्रधारों में से एक थे, वहां पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच धागा उलझ गया है। सूत्रों की माने तो 288 विधानसभा सीट वाले महाराष्ट्र में इंडिया अलायंस यानी महाविकास अघाड़ी में 20 सीटों पर विवाद जारी है। इसमें विदर्भ की 5 से 7 सीट शामिल हैं, जबकि मुंबई की 3 अल्पसंख्यक सीट पर भी उद्धव ठाकरे के दावे से विवाद बढ़ गया है। सबसे ज्यादा विवाद है जो विदर्भ का इलाका है, जहां कांग्रेस की स्थिति बेहतर बताई जाती है, जहां से खुद नाना पटोले हैं, जहां पिछले चुनाव में ज्यादातर सीटें बीजेपी जीती थी। दबे हुए शब्दों में कांग्रेस भी स्वीकार कर रही है कि पेच फंसा हुआ है। तीस सीटों में अभी भी है, हमारे से ज़्यादा तो महायुति में गड़बड़ है, अभी कुछ सामने नहीं आ रहा है। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारा भी 30-40 सीटों पे जो है वो जो सीटों का बंटवारा है वो सवाल हो जाएगा। जो नाना पटोले समाधान निकालने का दावा कर रहे हैं, वो भी विवादों की एक कड़ी बताई जा रही है। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले से उद्धव ठाकरे गुट काफी ज्यादा नाराज चल रहा है। यह तक जानकारी सामने आई है कि नाना पटोले की मौजूदगी में उद्धव ठाकरे किसी भी तरीके की सीट बंटवारे पर मीटिंग नहीं करना चाहते। सूत्रों ने यह भी जानकारी दी है कि दोनों के बीच में सीट बंटवारे को लेकर चल रही उलझनों को सुलझाने के लिए खुद शरद पवार आगे आए हैं। यही वजह है कि सीटों पर विवादों का जिक्र करते हुए भी कांग्रेस और शिवसेना दोनों जल्द ही निष्कर्ष पर पहुंचने की बात कर रही है। जो उम्मीदवार जीत सकते हैं, उम्मीदवार विनिंग क्राइटेरिया के आधार पर सीट शेयरिंग होनी चाहिए। 90% सीट शेयरिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 10% सीटें कहीं कुछ विदर्भ में है, कुछ मराठवाड़ा का है, एक दो मुंबई का इशू है, कुछ रायगढ़ जिले का इशू है। ऐसे कुछ इश्यूज हैं जो हम लोग सब मिलजुल कर उसको रिजोल्व कर लेंगे, और कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की लिस्ट कल से आना शुरू होगी। कांग्रेस जब आश्वस्त है, तब सूत्रों का ये भी दावा है कि उद्धव ठाकरे प्लान बी पर काम कर रहे हैं, यानी अगर बात नहीं बनी तो सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। ये खबर तब है जबकि चर्चा ये भी है, कुछ रोज पहले उद्धव और फडणवीस की मुलाकात हुई थी। हालांकि उद्धव के लेफ्टिनेंट तमाम तकरारों के बीच इंडिया गठबंधन में आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। कोल्हापुर में हमारी वहाँ उस वक्त हमारे सांसद थे, हमारी सिटिंग सीट थी। अमरावती भी लगभग हमारी सिटिंग सीट थी, रामटेक हमारी सिटिंग सीट थी। तो जरूर हमने बड़ा दिल दिखाया, क्योंकि हमें संविधान के दुश्मनों का पराभव करना था, उनको हराना था।
और आज महाराष्ट्र में एक भ्रष्ट सरकार को, एक घटनाबाह्य संविधान के खिलाफ काम करने वाले सरकार को हमको नीचे उतारना है। सीट शेयरिंग की बात आती है तो सबको थोड़ा बहुत त्याग भी करना पड़ता है, एक कदम पीछे भी लेना पड़ता है। गठबंधन में गांठ सिर्फ शिवसेना और कांग्रेस की महत्वाकांक्षा की नहीं है, अखिलेश भी उतने ही आतुर हैं महाराष्ट्र में अपनी ज्यादा हिस्सेदारी को लेकर। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस की अप्रत्याशित हार हुई है उसने इंडिया अलायंस में हाहाकार ला दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने विदर्भ में ज्यादा हिस्सा मांगकर कांग्रेस पर दबाव बना दिया है। हाल ही में अखिलेश यादव ने इस बात का जिक्र करते हुए सचेत किया था कि अगर कांग्रेस ने हरियाणा वाली गलती महाराष्ट्र में दोहराई तो मुश्किल होगी। सीटों का हिसाब किताब हुए बगैर अखिलेश यादव ने अपने 5 कैंडिडेट भी उतार दिए हैं। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने जो संगठन और जो प्रत्याशी तय किए हैं वो 12 सीटों पे किए हैं। हमें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी को वहाँ पर सीटें मिलेंगी और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र में अपनी हिस्सेदारी तलाश रहे अखिलेश यादव ने यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें दी है, जबकि 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सूत्रों का ये दावा है कि यूपी कांग्रेस की ओर से कांग्रेस नेतृत्व को यह बता दिया गया है कि 2 सीटों पर चुनाव लड़ने से कार्यकर्ताओं में निराशा आएगी। ये वो 2 सीटें हैं जिस पर भाजपा मजबूत रही है और कांग्रेस के लिए जीत आसान नहीं होगा। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 4 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है तो फिर यूपी में कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ेगी, लेकिन गठबंधन में रहेगी और समाजवादी पार्टी की मदद भी करेगी। अखिलेश यादव को उम्मीद है कि ये यूपी का विवाद भी सुलझ जाएगा। लगातार बातचीत हो रही है, हो जाएगी, बातचीत करेंगे। यूपी के उपचुनाव में तकरार को खत्म करने की मशक्कत के बीच झारखंड में रार बेहिसाब है। 2 रोज पहले हेमंत सोरेन के आवास पर कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के साथ दिन भर बैठक चलती रही। देर शाम हेमंत सोरेन ने कह दिया कि 70 सीटों पर JMM कांग्रेस लड़ेगी। 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के JMM कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। 81 में से सिर्फ 11 सीटें बच गई जिसे RJD और लेफ्ट में बांटना है। ये सुनते ही लालू यादव की पार्टी हत्थे से उखड़ गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि 11 में से 4 सीट लेफ्ट को देने की तैयारी है। ये न राजद की ऐतिहासिक ताकत के अनुरूप है, न समकालीन जो परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप है। अलग अलग जिलों में हमारी जो प्रेजेंस है वो बहुत ताकत की है। हमने पूरी जो मीटिंग की है उसमें हम लोगों ने 15 से 18 ऐसी सीटें चिन्हित की हैं अलग अलग जिलों की, जहां हम शायद अकेले भी BJP को परास्त करने में सक्षम है। जाहिर है महत्वाकांक्षा के तले झारखंड में भी इंडिया अलायंस के खंड खंड होने का खतरा बढ़ चुका है। यूं तो इससे पहले हुए हरियाणा के चुनाव में आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस से अलग चुनाव लड़ी थी। जम्मू कश्मीर में भी PDP और आप ने इंडी गठबंधन से अलग रास्ता अख्तियार किया था, लेकिन महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में अगर बात बिगड़ती है तो सवाल कई उठेंगे। और अब तक जो सीटों की चाह दिख रही है उसी ने इंडी अलायंस के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं।